तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग कैसे अटेम्प्ट करते हैं। उससे पहले आपको थोड़ा ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। पहला ऑब्जर्वेशन है कि इसमें कोई डायरेक्ट फॉर्मूला तो लग नहीं रहा है ना। फिर क्या किया जाए, तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन अपनाते हैं। चलिए वो बाद में देखते हैं हम लोग, इसके बाद प्रोसीड करेंगे उसको, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा हम रीअरेंज करके आपको दिखा दें, थोड़ा आपको ऑब्जर्व होगा, ठीक है। फॉर्मेट तो देखिए, ये जो एक्सप्रेशन लिखी है, अगर हम इसे एफ एक्स मान लेते हैं, से एफ एक्स है ये, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2x प्लस 1, 1 का तो 0 हो जाएगा, 2x प्लस 1, यहाँ से 2 कॉमन करिए, जब 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। तो देखिए 2x प्लस 1 दिख रहा है ना, ये आपका एफ डैश एक्स हो गया। इस 2 को एकदम ही बाहर कर दीजिए इंटीग्रेशन से। तो ये फॉर्म कौन से दिख रही है, एफ एक्स की पावर एन एफ डैश एक्स, और ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है आपका, एफ एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा आपने दिमाग लगाया और फॉर्मेट आपको पता है तो आपका आंसर दूसरे स्टेप में आ गया। और ये बड़े क्वेश्चंस जितने भी होते हैं उनके ये छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं, आपको तेजी से आगे बढ़ाते हैं ना, अदरवाइज आप बीच में उलझ के रह जाते हो। 1/2 प्लस 1 क्या होगा आपका, 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ 3/2 लिख दे रहे हैं ना, यहाँ 3/2 लिख दे रहे हैं, तो 3 और 2 ऊपर, ठीक है, तो 2 × 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये 4/3 एक तरह से हो गया है ना, तो दैट इज योर आंसर।